हमारे साथ मौजूद हैं पर्यटन मंत्री महेश शर्मा जी, इनसे पूछते हैं सर, हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, क्या है ये थोड़ा सा? देखिए, ये हमारे देश का भविष्य है। पिछले दो वर्षों में 23 और 25% की तरफ से हेल्थ एंड मेडिकल टूरिज्म बढ़ा है। भारत सरकार ने एक मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म बोर्ड की स्थापना की है, जिसको संवैधानिक स्टेचर दिया गया है और जिसके तहत हमारे क्षेत्र में योगा, आयुर्वेद, स्पा और मेडिकल चिकित्साओं के क्षेत्र में हमारे देश में वो सभी सुविधाओं में विश्व स्तर के चिकित्सक हैं, विश्व स्तर के अस्पताल हैं, विश्व स्तर की नर्सिंग केयर है और वह भी बिना वेट किए हुए, और जो हमारी सामान्य कॉस्ट प्राइस है उसका 1/6। जैसे हार्ट की बाईपास सर्जरी विदेशों में, यूरोप में 18-20 लाख रुपए में होती है, भारत में ये 3 से 4 लाख रुपए में उपलब्ध है और तुरंत उपलब्ध है। नी ट्रांसप्लांट, ऐसी सभी सुविधाओं को हम बहुत जल्द देने के लिए, ये हमारे भारत के पर्यटन का भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भारत का पर्यटन का भविष्य है, ये बताया है महेश शर्मा जी ने। कैमरा पर्सन चेतन भारद्वाज के साथ गमन सराव के लिए पवन त्रिपाठी।